हेलो गैस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। स्टेप जब भी वीडियो देख रहे हैं, इसके वीडियो को बनाना चाहते हैं, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरे लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दिया। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल दबा दिया ताकि मैं इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बिना बकवास करते हुए बिना इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको कैन मास्टर ओपन करके प्रेस करके क्लिक करें। 61 जो नाम दिख रहा है इस रेसिपी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको जो आगे ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन के बाद क्या करना है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा। मैं चलिए यहाँ से मीडिया पर क्लिक कर लेते हैं। मीडिया पर इसको ओपन होने देते हैं। ओपन होकर आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। उसका मीडिया क्लिक कर दीजिए। मीडिया क्लिक करने आपके बैकग्राउंड लेना, बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल प्रोजेक्ट डाउनलोड लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आप चले जाएगा मेरे वेबसाइट पर, वहाँ से आपको बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने से यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ से प्लस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा लेयर को बढ़ा देना, जितने वीडियो बना चाहते हैं लेयर को बढ़ा देना है। बढ़ा देने का बाद फिर से लेयर देना, आपको मीडिया मिल जाएगा। क्या करना, आपको यहाँ से एक आपको फोटो फ्रेम लेना, ठीक है। फोटो फ्रेम का लिंक डिस्क्रिप्शन उसी जगह मिल जाएगा, जिससे बैकग्राउंड डाउनलोड का लिंक होगा, उसी जगह से आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड फोटो फ्रेम को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसमें कैसे इमेज लगा लीजिएगा, अपना इमेज कैसे लगाएगा आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने क्या करना, आपको इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ से फिर एक और फ्रेम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दो फ्रेम इसमें यूज किए, आपको दो फ्रेम को यूज कर लेना, ठीक है। यूज करने के लिए पूरा लास्ट से बढ़ा देना, बढ़ा देने का साथ थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए इसमें थोड़ा सा मिला देते हैं, चलिए इसके ऊपर मिला देना। मिला देना चार्ज करने पर क्लिक करिए, थोड़ा सा स्क्रोप कर लीजिए। थोड़ा सा स्क्रोप करने के कारण इसको इधर खींच के लिए जाना इस जगह पर। इस जगह पर लाने के बाद क्या करना, आपको थोड़ा सा स्क्रोप कर लेना है और प्लस करने पर क्लिक कर दीजिए और थोड़ा सा स्क्रोप कर लीजिए। इमेज को ऊपर ला के यहाँ पर इस जगह पर एडजस्ट कर देना और थोड़ा सा स्क्रोप करके इमेज को फिर इस जगह पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। इस जगह पर आप यहाँ पर एडजस्ट कर देना, चलिए ऐसे हो गया। और सेकंड वाला जो फ्रेम उसके अंदर भी इसी तरह से करना, ठीक है। इस तरह जैसे फर्स्ट वाला जैसे जैसे फ्रेम जो आपको चलेगा सेम प्रोसेस सेकंड फ्रेम के साथ भी कर लेना, ठीक है। इस तरह से यहाँ कर लीजिए, उसका थोड़ा सा स्क्रोप कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रोप कर लेते हैं। इस तरह से स्क्रोप आपको कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर इमेज इस जगह से ऊपर जा रहा है, प्लस सेकंड पर क्लिक करिए, थोड़ा सा स्क्रोप करिए और इमेज के ऊपर जाकर इस जगह पर रुक रहा है तो इसको इमेज को भी शायद बड़ा, बहुत बड़ा हो गया है। चलिए फिर इसको मिला तो उसका आपको बताते हैं किस तरह से करना, ठीक है। चलिए यहाँ से साइज को छोटा कर लीजिए, जितना साइज था उस हिसाब से आपको कर लेना, ठीक है। चलिए इतना ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर घींच के लिए आप इस जगह पर लेना, फिर थोड़ा सा स्क्रोप कर लेना, ऐसे इमेज इस जगह पर आकर रुक रहा है, इसको भी यहाँ पर ला कर रोक देना, ठीक है। चलिए यहाँ सबका काम खत्म हो गया और थोड़ा सा पीछे आ जाइए। चलिए यहाँ से इमेज इस जगह पर इमेज जा रहा है, उसका लेयर जाना, आपको मीडियम जाना है और ओवर लेयर जाना है। वहाँ से आपको डीजे लाइट को सेलेक्ट करना, ठीक है। इस लाइट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके ना उसको लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। उसका साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लिए। इसको इस तरह से रोटेट कर देना, रोटेट करके हर इस जगह पर यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। फिर से लेयर में जाना है, फिर से ओवर लेयर में जाना है, एक डीजे लाइट को और सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ से व्हाइट वाला को सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाइट वाला को सेलेक्ट करके यहाँ पूरा लेयर पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है, बढ़ा देना है। इसको इस तरह यहाँ पर एडजस्ट कर देना, उसका थ्री डॉट पर क्लिक करके उसको डबल कर लीजिए। डबल करके वो क्या करना, उसको यहाँ रोटेट पर क्लिक करके इसको रोटेट कर लेना। रोटेट करके क्या करना, उसको एडजस्ट करके यहाँ से इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। इस तरह से आपको एडजस्ट करना। चलिए चला के दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दो ताकि डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो और नया ट्यूटोरियल के साथ। लास्ट में दो वीडियो देखेगा, दोनों वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।